एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आज का टॉपिक हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे कि 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर को लिखने में कितना टाइम देना चाहिए, और बताएंगे कि आप कैसे टाइम को मैनेज करके आगे निकल सकते हैं और मेंस में एक लीड ले सकते हैं। और अगर अनएक्सपेक्टेड पेपर आ जाता है तो उसमें आपको एज मिल जाती है, क्योंकि आपने टाइम को मैनेज कर लिया है। ठीक है, आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी बचेगा, टाइमिंग ऐसी बनाएंगे। और अगर इन सारी चीज़ों की आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप किसी ने कितना भी कितनी भी अच्छी तैयारी की हो, उन सबसे आप आगे निकल जाओगे, क्योंकि ये लिखने का एग्ज़ाम है। अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया, टाइम को में महारत हासिल कर ली, ठीक है, तो आपका मेंस बहुत अच्छा जाने वाला है। तो आइए देखते हैं। तो आपका पेपर 2 पार्ट में रहता है, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, टोटल 3 घंटे मिलते हैं, मतलब एक पार्ट को 1.5 घंटे में आपको करना होता है, दूसरे को भी 1.5 घंटे में। ठीक है, अगर आपने गलती से भी एक पार्ट में 2 घंटे लगा दिए, आप पूरा पेपर अनमैनेज हो जाएगा। टेंशन में आप डेटा भी गलत डालोगे, ग्राफ, डायग्राम, मैप कुछ भी नहीं बना पाओगे, और गंदी राइटिंग भी आएगी आपकी। ठीक है, तो आपको एकदम एक पेपर में 90 मिनट देने हैं तो देने हैं, इससे ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं देना है आपको। और जितना हुआ हुआ, उसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट में जंप करना पड़ेगा, नहीं तो सेकेंड पार्ट पूरा वीक हो जाएगा आपका। तो जैसे पार्ट ए करेंगे वैसे ही पार्ट बी करना है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि 3 मार्कर जो है, 3 मार्कर, 15 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्कर में, और इसके लिए आपको 1 मिनट देना है। 3 लाइन है और आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप 1 मिनट में बेस्ट आंसर लिख पाओ, कॉमा दे दे के। ठीक है, फिर 3 मार्कर आपको 1 मिनट में करने हैं, 15 3 मार्कर, मतलब आपको टोटल 3 मार्कर करने में, 15 3 मार्कर करने में आपको 15 मिनट लगने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं 5 मार्कर। 5 मार्कर 10 आएंगे और इसको करने में आपको 3 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। टोटल 10 3 मार्कर करने में आपको 30 मिनट का टाइम लगना चाहिए। ठीक है, और 11 मार्कर, ये आपको 2 पन्ने आमने सामने, कैसे 2 पन्ने दिए रहते हैं, इन दोनों पन्नों को आपको फुल करना रहता है। ठीक है, 2 पन्ने आपको भरने हैं इसमें। तो 11 मार्कर 5 क्वेश्चन आएंगे 11 मार्कर के, तो आपको 8 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है, 8 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है, और 8 मिनट के अंदर आपको 1 11 मार्कर कंप्लीट करना है, मतलब आपको टोटल 5 11 मार्कर 40 मिनट में कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, 40 मिनट में कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से आपको 3 मार्कर में 15 मिनट, 5 मार्कर में 30 मिनट, क्योंकि 10 आएंगे और 3 मिनट देना है ईच के लिए, 30, और 11 मार्कर 5 आएंगे, आपको 8 मिनट देना है, तो 40 मिनट। तो टोटल ये टाइमिंग आपने रखी तो आपके 85 मिनट हुए हैं, अभी 5 मिनट आपके पास बच गए हैं। ठीक है, ये आपको 5 मिनट बचा के रखना है। किस लिए बचा के रखना है? अंडरलाइन करने के लिए। ठीक है, पेपर अनएक्सपेक्टेड आ जाता है कुछ, और एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे, तो उसमें टाइम लगता है, तो उसके लिए बचा के रखने हैं। ठीक है, आपको 5 मिनट, और ये आप अभी से प्रैक्टिस करोगे जब कि आपका पेपर 5 मिनट पहले कंप्लीट हो, तो इससे तब जाके आप रियल एग्जाम में एग्जैक्ट टाइम में पेपर कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि आप कितने भी टेस्ट सीरीज दे लो, बट दिमाग बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा होशियार होता है, उसको पता रहता है कि ये रियल एग्जाम नहीं है, रियल एग्जाम उसी दिन है, तो वो जो फील आता है वो तो नहीं आएगा टेस्ट सीरीज में, बट आपकी फिर भी काफ़ी हद तक प्रैक्टिस हो जाती है। क्योंकि जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं वहाँ का डर एक अलग ही होता है, वो यहाँ क्लास में नहीं लगता है जब हम टेस्ट देने जाते हैं कोई भी, या मॉक टेस्ट देते हैं, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो आपको 5 मिनट का मार्जिन लेके चलना है कि 5 मिनट पहले एक पार्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, इससे हल्का सा आपको एक रेस्ट भी मिल जाता है सोचने समझने का, क्योंकि फिर से आपको नेक्स्ट पार्ट के 3 मार्कर करने होते हैं, सब्जेक्ट चेंज होता है। ठीक है, तो माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। तो
ये देखिए मैंने आपको एक जो टाइमिंग बताई है और इनमें टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है, और ये मैंने खुद प्रैक्टिकल की है। 3 मार्कर 3 लाइन, 1 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। इवन कोई कोई तो 50 सेकंड में भी लिख देते हैं, बट हमको बेस्ट कंटेंट देना ना। 3 मार्कर सबसे बेस्ट होने चाहिए क्योंकि स्कोरिंग होते हैं और आपका स्कोर बढ़ाते हैं। तो आपको कॉमा दे दे के बहुत ज़्यादा फैक्ट लिखने हैं ना, तो इसलिए मैंने 1 मिनट दिया है। ठीक है, 3 मार्कर को 15 3 मार्कर है, सबको एक एक मिनट में करने हैं। ये आधे पेज में करना होता है 5 मार्कर, तो इसके लिए 3 मिनट बहुत ज्यादा इनफ है। इसमें डायग्राम भी बन जाएगा और आप लिखते लिखते चीजों को अंडरलाइन भी कर लोगे, सब कर लोगे इतने में। 11 मार्कर के लिए भी 8 मिनट बहुत है, बहुत है। ठीक है, इतने में आराम से लिख जाएगा और आपको इसी टाइम में, एकदम परफेक्ट टाइमिंग है, इसी टाइम में आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और ये टाइमिंग आप रखोगे ना तो आप कॉन्फिडेंस के लेवल पे, और अनएक्सपेक्टेड पेपर आ जाए उसके लेवल पे, जब आप पूरा मेन रहता है कि आपका कंटेंट, लाइक आपका कंटेंट थोड़ा वीक भी है ना, उसके बाद भी मैंने नोटिस किया है कि जिसने भी पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है ना, उसकी स्कोरिंग ज़्यादा ही रहती है हमेशा, जिसने छोड़ा है उससे। किसी ने छोड़ा है बट उसने बहुत अच्छा कंटेंट लिखा है, और किसी ने एवरेज ही लिखा है लेकिन पूरा पेपर एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, तो उसकी मार्किंग हमेशा ज़्यादा होगी। तो पूरा फोकस आपका होना चाहिए टाइम पे पूरा पेपर कंप्लीट करना। आपकी यही टाइमिंग रहेगी, फर्स्ट पार्ट को आपको 85 मिनट में करना है और 5 मिनट एक्स्ट्रा है, आप अंडरलाइन करो या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपको तुरंत बना के लिखना है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए आपको 5 मिनट बचा के रखना है। सेम सेकेंड पार्ट में भी सेम क्वेश्चन आते हैं, उसको भी आपको 85 में कंप्लीट करके 85 मिनट में और 5 मिनट में बाकी चीज़ों पर ध्यान देना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को लिखने में कितना टाइम देना चाहिए, और आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हो। और हाँ, मैं कॉपी भी दिखाती हूँ, आप ऐसे कॉपी ले सकते हैं, ये आती है आंसर राइटिंग के लिए, इसमें ऐसे दिया रहता है, इसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर आपको प्रैक्टिस करनी है ना, आप ऐसे कॉपी ले आओ। इसमें 3 मार्कर 5 मार्कर और 11 मार्कर के लिए जैसे मेन कॉपी रहती है एग्जाम की, वैसे ही है ये, इसमें वैसे ही उतनी ही लाइन दी हुई है उसी उसमें, तो आप इसमें अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो प्रीवियस ईयर। ये ऐसे 5 मार्कर के लिए दिया हुआ है और 11 मार्कर के लिए भी है, ये 2 पेज ऐसे 11 मार्कर के लिए दिए हुए हैं। तो आपको घर में बैठ के रफ कॉपी में प्रैक्टिस नहीं करनी है, ऐसी कॉपी लेनी है, और ये मुझे 120 रुपीज़ में मिली है ये कॉपी। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।